मुझे तो ये लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप बाकायदा कस्टम मेड किया गया इंडिया के लिए, जैसे कि 2011 का वर्ल्ड कप किया गया था। मेरी अक्ल में ये बात नहीं आ रही कि एक टीम 370 रन बनाती है दूसरी टीम के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ आके 83 पे आउट हो जाती है, 55 पे आउट हो जाती है, 140 पे आउट हो जाती है। ऐसा कौन सा जादू चल रहा है, ऐसा कौन सा सिस्टम चल रहा है, ऐसे कौन से उनके पास बॉलर आ गए हैं जो पिछले जो पूरी दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को जेर किए जा रहे हैं। टीम फॉर्म में तो बहुत ज्यादा सर। ओ भाई, अपने मुल्क में फॉर्म में अपनी मर्जी की विकेटें बना रही है, फॉर्म में क्या फॉर्म में है, मुझे एक बात कहे, कितनी चीजें उनकी अपनी मर्जी की है। चले विकेट्स मर्जी की हो गई, हाँ। तो विकेट्स दूसरों को फायदा क्यों नहीं दे रही जो आईपीएल वहां पे खेलते हैं। पहले बैटिंग करनी थी इनको, क्योंकि यहाँ की पिच, यहाँ पे रात में बैटिंग नहीं हो सकती, हिस्ट्री बता रही है। ठीक है, अब मैं पोल्स पे नहीं जाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि एलईडी लाइट लगी है 2011-12 में लगी, उसके बाद रन नहीं बने रात में जी। एलईडी लाइट हमेशा 80 फीट पे लगती है, ये जो टावर ने अगर इसको देखेंगे ये 120 फीट के होंगे, तो उसकी थ्रो होगी नहीं विकेटों तक। एलईडी फुटबॉल के लिए होती है, क्रिकेट के लिए नहीं होती है। आजकल जो नाइट में प्रॉब्लम आ रही है वो लाइट से आ रही है। पिछले मैच में देखे कि मोहम्मद शामी बेचारा सजदा रेज नहीं हो सका अल्लाह की बारगाह में, दुख होता है। ऐसी कौम आपने दी है, ऐसा सेकुलर लिबरल मुल्क है जहाँ पे एक बंदा सजदा करते हुए घुटनों पे बैठते हुए फिर उठ जाता है कि यार इतने मेरी जड़ी है ना माँ बहन हो जानी है अगर मैंने ये कर दिया, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं वो एंटी इनको फोबिया इस्लामी फोबिया है। मोहम्मद शामी को किसी ने रोका तो नहीं था ना, वो रुकू में जाए और उठ गए, उस बात ने रोका जो उसके जहन में थी कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। वो चाहे खेले चाहे वो जो मर्जी कर ले, लेकिन ये वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। क्यों नहीं जीत सकते, अभी तक सारे मैच तो जीत रहे हैं। वो जीत रहे हैं लेकिन ये वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। कैसे, कौन रोकेगा, कौन रोकेगा, मुसलमानों की दुआएं। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड कप में भारत 8.0 पर बैठा हुआ है, वहीं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग बौखलाया हुआ, ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि हम लोग 2 मैच जीत कर लगातार मैच हार रहे हैं, वहीं भारत लगातार जीत क्यों रही है। इस पे पाकिस्तानी मीडिया इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है, किसी का कहना है बॉल में चिप लगा कर देता है अपने बॉलरों को, तो कोई कह रहा है मैच फिक्स है, कोई तो ये भी बोल रहा है कि सारा वर्ल्ड कप ही फिक्स है। और एलईडी लाइट की समस्या है, जिससे जो चेज करने आते हैं उसे बॉल ही सही से दिखाई नहीं दे रहा है। एक अंटी ने तो पूरे भारत की टीम को ही कमीना बोल रहा है और बद्दुआ देने लगी है। तो चलिए देखते हैं महान ज्ञानियों का ये वीडियो और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। ये जुआ हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा जुए का घर जो है वो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और उसके बाद भारत, और ये सारे लोग हैं वहाँ पे जुआरिये बैठे हुए हैं, अरबों रुपए का जुआ हो, इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो पाकिस्तान में डॉलर, पाकिस्तान की मौशियत और पाकिस्तान में दहशतगर्दी, इसका भी आत्मा होगा। और ये जो जुआ माफिया है ना, इसकी वजह से जो हमारे प्लेयर या दूसरे प्लेयर बर्बाद हो रही है उसका भी, उसकी भी बचत हो जाए। ये कहना कि बॉल आगे फेंको बॉल स्विंग होगा, तो बॉल तो साउथ अफ्रीकन बैट बॉलरों का भी स्विंग होना चाहिए, पाकिस्तानियों का भी होना चाहिए और इंग्लैंड वालों का भी होना चाहिए, सिर्फ इंडिया का क्यों हो रहा है। मेरी अकल यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सुन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो आप ये नहीं समझते इंडिया ने तैयारी इतनी अच्छी कर ली है, इंडियन जो तैयारी रिप्लेसमेंट इतनी कमाल की है। अरे मेरी कैसी बातें करते हैं आप लोग, बाकी टीमें क्या वहाँ पर लूडो खेल रही थी पिछले 4 साल से कि हिंदुस्तान ने इतनी अच्छी तैयारी कर ली है, हिंदुस्तान की टीम आपने मजाक बना रखा है दुनिया को, ये मेरी समझ से बाहर है, ये अकल में नहीं आ रही है बात। कल सौरभ गांगुली साहब ने कहा कि 400 रन की पिच है और उनके खिलाड़ियों ने बना भी दिए 350 रन, अगली टीम क्या वहाँ गिल्ली डंडा खेलने गई है कि 83 रन पे आउट हो गई है। हम लोग सब शॉक थे कि साउथ अफ्रीका जो इतना अच्छा परफॉर्म करता आया है, क्या हुआ एक अचानक से कि साउथ अफ्रीका 100 रन भी नहीं कर सका, ना उनकी बैटिंग चली ना उनकी बॉलिंग चली, हुआ क्या। नहीं नहीं, आप साउथ अफ्रीका की रो रही हैं, मैं तो एशिया कप के पीछे पीछे आपको एशिया कप पे ले जाता हूँ। श्रीलंका ने क्या क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस दी और फाइनल में आकर के श्रीलंका का परफॉर्मेंस आपने देखा, हिंदुस्तान से हार गए, 50 या 55 कर पाए थे, और 50-55 कर पाए। अभी इंग्लैंड के साथ क्या हुआ, साउथ अफ्रीका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ, ये सब ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और क्रिकेट का कोई पंडित ये बात अगर मुझे समझाने की कोशिश करे कि हिंदुस्तान की तैयारी बड़ी अच्छी है, हिंदुस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स हैं, मैं मानने को तैयार कि ये वो लड़के, वही लड़के हैं सिराज, वही लड़का है बुमराह जो पिछले कई सालों से क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन जो स्विंग और जो 6-6 फुट की उनकी सीम हो रही है गेंद, ये मेरी अकल से बाहर है। तो भाई मैंने कहा ना आपसे कि 2011 का वर्ल्ड कप जितवाना था ना धोनी को सचिन तेंदुलकर के लिए, 2023 का वर्ल्ड कप विराट कोहली के लिए जितवाना है, बात खत्म हो गई, बाकी लोग वहां पे छमछम खेलने के लिए गए हुए।
ये हो ही नहीं सकता। 55 रन में टीमें बाहर हो रही हैं, 83 में बाहर हो रही हैं, उसी पिच पे उसी उससे बेहतर क्वालिटी की बॉलिंग के ऊपर आप 350 रन बना रहे हैं। मुझे कोई पंडित ये बात समझा देना। अच्छा चले ये बताइए, जो टीम पाकिस्तान ने कम बैक किया है उसको किस तरह से देख रहे हैं आगे? अरे कोई कम बैक नहीं किया, छोड़ दे कम बैक। 400 रन आपकी टीम खा रही है, दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग अटैक कहा जाता था चंद महीने पहले तक उनको, चंद हफ्ते पहले तक, चंद दिन पहले तक। 400 रन खाती है, 350 रन खाती है, फिर 350 खाती है, कैसी बात। 8 विकेटों से अभी कह रहे हैं कल की जो कल का मैच है वो बारिश बचा गई हमें, वरना हम हार गए थे। वो बारिश ने बचा लिया फखर के बल्ले, आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे जीतते आ रहे हैं पिछले 10-15 सालों से। वेरी राइट, ये तो मैं भी क्रेडिट देती हूँ फखर जमान को कल की मैच के लिए। नो डाउट कल फखर अगर ना होते तो फिर, अगर फखर आउट हो जाते तो फिर देख ली थी बाबर की बैटिंग आपने, अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग देख ली थी आपने, हारिस रऊफ और शाहीन की बॉलिंग भी देख ली थी। कैसी बातें करते हैं आप लोग, कम बैक कौन सा कम बैक, कैसा कम बैक। भारत तो एक नंबर का कमीना है, क्यों वो चाहे खेले चाहे वो जो मर्जी कर ले, लेकिन ये वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। क्यों नहीं जीत सकते, अभी तक सारे मैच तो जीत रहे हैं वो जीत रहे हैं लेकिन ये वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। कैसे, कौन रोकेगा मुसलमानों की दुआएं हैं, मुसलमान उनकी क्रिकेट टीम में है, वो मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी, वो भी चाहे लाख हो ऊपर है ना, ये काफिर लोग हैं, ये बस हर चीज में ये कहते हैं कि हम तो ऑस्ट्रेलिया भी काफिर है, ऐसे तो आज साउथ अफ्रीका भी काफिर है, ऐसे तो कल जिससे हमने मैच जीता है न्यूजीलैंड वो भी काफिर था, फिर हमने खेला क्यों उनके साथ मैच। वो तो खेला लेकिन जो इंडिया है ना, इंडिया की हमारे साथ कभी भी नहीं बन सकती और ना ही कभी बन सकती है, क्योंकि वो हमें नहीं पसंद करते और हम उन्हें नहीं पसंद कर सकते। ऐसी कौम आपने दी है, ऐसा सेकुलर लिबरल मुल्क है जहाँ पे एक बंदा सजदा करते हुए घुटनों पे बैठते हुए फिर उठ जाता है कि यार इतने मेरी जड़ी है ना माँ बहन हो जानी है अगर मैंने ये कर दिया, क्योंकि ये सारे लोग जो है वो एंटी इनको फोबिया इस्लामी फोबिया। मोहम्मद शामी को किसी ने रोका तो नहीं था ना, वो रुकू में जाए और उठ गए, उस बात ने रोका जो उसके जहन में थी कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। वो जीता पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो हिंदुस्तान का झंडा लड़ाता है स्टेडियम में, क्यों वो क्या कहते हैं वो इंडिया में गेम है हिंदुस्तान का झंडा नहीं लड़ाएंगे ऐसा हो सकता है? और आज फखर की जो सेंचुरी हुई है उसने सजदा किया सबके सामने, और मोहम्मद शामी ने 5 विकेट ली थी इंडिया के खिलाफ, वो सजदा करने लगा बेचारा, उसने सजदा नहीं किया क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम होते। अल्लाह का शुक्र हम आजाद मुल्क में हम इधर कभी भी सजदा कर सकते हैं, इंडिया के सामने आज फखर जमान ने सजदा किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और शाहीन शाह अफरीदी ने 5 विकेट लेके ऑस्ट्रेलिया की और सामने सजदा किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंडिया के सामने हम जाके सजदा करते हैं। दोस्तों जिस प्रकार ये लोग भारत पे ब्लेम लगा रहे हैं अलग अलग, इंडिया को जो खेलने के लिए बॉल मिलता है उसमें चीप लगा कर दे रहे हैं, और ये भी समस्या बता रहे हैं एलईडी लाइट का कि जो पारी खेलने आती है दूसरी टीम और लाइट के वजह से कम रोशनी के वजह से उनको बॉल नहीं दिखाई देता है जिसके वजह से वो मैच हार रहे हैं। तो दोस्तों क्या इंडिया की टीम चेंज करने नहीं आई है, क्या उसने नहीं खेला है, क्या उनको दिक्कत का प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा है? दोस्तों ये सब झूठी बातें हैं, दरअसल 100 बात की एक बात है, इंडिया की 8वीं जीत की रास ही नहीं आ रहा है इन पाकिस्तानियों का। अपने तो जो खेलते हैं दुनिया देख रही है क्या खेले हैं, क्या खेल रहे हैं, इंडिया कैसे खेल रहा है, ये तो सारी दुनिया देखी है, फिर भी इनको लग रहा है क्या कि मैच फिक्स है, वर्ल्ड कप फिक्स है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है आप वीडियो में कमेंट करके दे सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।